हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है और उस मैसेज को ऐसे बना रखा था जैसे सच में लगी हो। उसमें मोबाइल भी नंबर दे रखा था, पूरा एडिट करके ऐसे बना रखा था। तो दोस्तों उस मैसेज को देख के कोई कोई तो ऐसा हो जाएगा कि असली में किसी की लॉटरी लगी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ऐसे किसी के झांसे में मत आना जिससे आपका नुकसान हो जाए। दोस्तों आज बहुत ही अच्छी कंपनी का हम एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसकी फाइनेंस डिटेल, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों कंपनी का नाम है लोहेस लैब। लोहेस लैब की जो शुरुआत हुई थी 2005 में सत्यनारायण चावा जी ने की थी। जो ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, जिसका हम बिजनेस देखें ये फार्मा कंपनी है। ये जो कंपनी अलग अलग टाइप से अपनी दवाइयां बनाती है, जो ये फार्मेसिस्ट सामग्री इस तरह की ये दवाई बनाती है। और जो कोरोना टाइम में इसने अपनी मेडिसिन भी बनाई थी, उसके बाद ये इंजेक्शन भी बनाती है अलग अलग टाइप के। तो इसका जो बिजनेस है जावा या दवाई, इस शब्द से इसका बिजनेस आता है। पूरा बिजनेस का मेडिसिन से आता है दोस्तों। बिजनेस बहुत जबरदस्त है इस कंपनी का। मार्केट कैप्चर देखें, 26 करोड़ का मार्केट कैप्चर है, जो स्टॉक है 35.5 और जिसका बुक वैल्यू है 63 इसका बुक वैल्यू है दोस्तों। और जो डिविडेंड दे रही है 0.40 का डिविडेंड दे रही है। जो आरओसी है 23.4% की आरओसी है। जो आरओई है 24.6% का आरओसी है। और जो ये फेस वैल्यू इसकी 2 इसकी फेस वैल्यू है। और जो सेल ग्रोथ देखिए कंपनी का, 10 साल में 26%, 5 साल में 20% और 3 साल में 28% कंपनी को सेल में ग्रोथ हुई है। और जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें, 10 साल में 43%, 5 साल में 30% और 3 साल में 99%। देखो प्रॉफिट कितनी जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रही है कंपनी की। प्रॉफिट बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है कंपनी का। और जिसका सीजीआर देखिए, 5 साल में 38% और 3 साल में 90% कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। सीजीआर भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है कंपनी का और प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है कंपनी का। और जो कंपनी के पास रिजर्व है, जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के पास 3281 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 1653 करोड़ का बोरिंग है, कर्जा है कंपनी के पास। और जिसका प्रमोटर के पास इसका होल्डिंग देखिए, 27.27 का प्रमोटर के पास होल्डिंग है। जो FL के पास होल्डिंग है 21.98 का। और जो DL के पास इसकी होल्डिंग है 9.11 का। और जो पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है 41.65 का। और जिसका क्वार्टर रिजल्ट देखें दोस्तों, इसमें क्वार्टर रिजल्ट में कैसा है गया? मार्च 2022 में 1378 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही फिर जून में 1495 करोड़ की सेल हुई कंपनी की। और जो नेट प्रॉफिट देखें, मार्च 2000 में 221 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को, वही जून में 232 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। और जिसका साल का देखें हम, लॉस एंड प्रॉफिट 2021 में 4729 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही फिर 2022 में 4707 करोड़ की सेल हुई कंपनी की। और जिसका नेट प्रॉफिट देखें साल का हम, 956 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का 2021 में, 2022 में 750 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का। देखो इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा कम रहा है पिछले साल से दोस्तों। जो क्वार्टर रिजल्ट में देखें, क्वार्टर रिजल्ट में भी 232 क्वार्टर रिजल्ट में बढ़ रहा है, पर साल के अंदर अंदर कम रहा है दोस्तों। अगर 5 साल का इसका रिटर्न देखें हम, 393 रुपये 5 साल का रिटर्न रहा है इस कंपनी ने, 5 साल में रिटर्न जो दिया है। और जो अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है 501 का शेयर प्राइस चल रहा है इसका। अजय इसने हाई किया 700 के लगभग, इस कंपनी ने हाई किया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों बिजनेस बहुत ही अच्छा है कंपनी का, फार्मा कंपनी है, दवाइयां अपने इंडिया में ये कंपनी बनाती रहती है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 4-5% की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की कंपनी है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो